Okay, are we back now? Are we back again? Acha chale. Okay, say another one. Hello? Hello, meri awaaz aa rahi hai aapko? Hello, हेलो another one. जी हेलो, आवाज आ रही जी है आपकी? हेलो जी, आवाज आ रही है. सबसे पहले तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी दैट यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान एंड व्हाट एवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. थैंक यू. उर्दू में बात करेंगी जरा, ये उर्दू की स्ट्रीम है, प्लीज. और दूसरी बात, मैं अभी वो देख रही थी कि लोग कैसे अब्यूज कर रहे थे आदमी आके ना यहाँ पे पाकिस्तानी, तो जी मैं वही देख रही थी कि मतलब आप तो खैर मुसलमान नहीं है मगर जो लॉ है वो उन पे अप्लाई होता है, तो वो मतलब क्यों आते हैं इस स्ट्रीम में और वो क्यों देखते हैं कि वो इस तरह की बातें करें? मेरा तो ये, मैं तो ये क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन. मैं तो 15 साल से पूछ रही हूँ ये सवाल कि मुझे देखते क्यों हैं, फिर आके गाली क्यों देते हैं, राइट? कि आप पहले अपने आप को तो सही करो, फिर आप दूसरे को दिखा सकते हो ना. तो आप कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से हूँ. पाकिस्तान से. आप मेरी बातें सुन लेती हैं तो आपको नहीं गुस्सा आता मेरी बातों पे? कभी कभार मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ. मैं आज ही आई हूँ एक्चुअली स्ट्रीम पे, तो मैंने कहा बात करूँ ना आपसे. अच्छा, वैसे चले मैं आप आती रहा करें. मैं बहुत सारी चीजों पे बात करती हूँ, और मैं, मेरा मतलब ये नहीं होता, मेरा मतलब जो लोगों की मुनाफिकत दिखाना होता है, कि किस तरीके से लोग चंद चीजों, कल्चर हो जाए या रिलीजन हो जाए, उसको अपने किस लिए फायदे की तरह यूज करते हैं और दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं साथ में. और एक और चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही थी कि अभी मैं एक उनकी रिसेंटली मैंने अभी एक मौलाना है कोई, उनकी मैं वीडियो देख रही थी, तो मतलब ऐसी पता नहीं अनएजुकेटेड थिंकिंग कहाँ से आती है इनके जहनों में कि औरत को वो पैर से कंपेयर कर रहे थे और आदमी को वो सर से कंपेयर कर रहे थे. और तो मुझे लगता है कि इसी वजह से लोग और दूर जाना शुरू हो गए हैं इस तरह के स्कॉलर्स की वजह से जो औरतों की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं. मगर देखिए, वो कहाँ से आती है, आप पूछ रहे हैं ना, कहाँ से आ जाते हैं? ये सब कुछ आता है बुक्स में से, आपकी बुक्स में से लिखा हुआ है. औरत की इज्जत ना करना आपकी बुक्स में लिखा हुआ है. और अब जब मैं भी इस चीज पे बात करती हूँ तो लोगों को गुस्सा बहुत आ जाता है. आपकी बुक में उस दिन मैंने दिखाया था वर्स, सिपारा नंबर मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है, 343 है मेरे ख्याल से, जिसमें औरत को आप अपनी वाइफ को मार सकते हो. तो नहीं, जब मैं बात आपकी, नहीं कर रही, जैसे हाँ, एक आगे बढ़ने भी नहीं देते ना, मतलब अगर कोई तो वो तो वो देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि औरत आप मर्द के हिसाब से आपकी हैसियत आधी है, आपकी गवाही आधी है, आपको आधा जो है विरासत में आधा मिलेगा. तो जब आप मर्द के कंपैरिजन आप आधी हो तो आपको राइट्स क्यों पूरे मिलेंगे? तो वो सही, वो मौलाना तो सही कह रहे हैं ना, वो तो वही पढ़ा रहे हैं आपको जो लिखा हुआ है. और सिर्फ कुरान में ही नहीं, ये हदीसों में लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है, बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा हुआ है, नाइंसाफी हुई है. अब जब जो लोग जाके पढ़ लेते हैं इस चीज को, तो फिर उनको दिखता है और उनके लिटरली पैरों तले जमीन निकल जाती है कि हो क्या रहा है. मगर एटलीस्ट आप यहाँ सुन तो रही है ना मेरी बात. अभी तक कोई और होता तो मुझे गालियां देके निकल गया होता. मैं जो बोल रही हूँ या जो लोग बोल रहे होते हैं, आप सुने. अब आपकी, आप एक रैशनल थिंकिंग बंदी लग रही है मुझे. जब भी आपने, जब मौलाना को सुनते हुए सुना ये, तो आपके दिमाग में हुआ कि भाई मैं भी तो इंसान हूँ, उस मर्द में के पास भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, हम लोग सेम ही तो हैं, एक दिल है, वी आर ऑल इक्वल, तो मुझे क्यों आधे हकूक मिल रहे हैं? औरतों को अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा. अब औरत जैसे वीना मलिक जी हैं, उन्होंने सब कुछ कर लिया, अब कोई और और औरत अपने ही हो गई और उनको लानतें दे रही हैं. इट्स नॉट नॉट फेयर ना. सो अच्छा, एक चीज तो ये कि जैसे जो मेरा ड्रेसअप है या मेरा जो भी मेकओवर है तो वो तो चले मेरी अपनी मर्जी है, मुझे कोई फोर्स नहीं करता मेरे घर में कि मैं बुरका पहनूं या कुछ भी करूं, वो मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ और जी जबरदस्ती भी नहीं. लेकिन अब जब हम एजुकेटेड स्कॉलर्स देखते हैं ना, जैसे कुछ अभी आगे आ रहे हैं, तो वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते और वो उसको ठीक तरह से देखते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर जो मदरसे में जाते हैं ना लोग, वो फैमिली के ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल्स में मतलब नहीं चल सकते होते ना, तो मुझे लगता है कि वो थिंकिंग भी उनकी उसमें मिक्सअप हो जाती है हर चीज में जब वो
किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं दीन से रिलेटेड ना, देखिए, क्योंकि चाहे वो वैसे स्कॉलर्स हो चाहे वो मदरसे वाले लोग हो, ठीक है ना। अब जो अच्छे स्कॉलर्स हो गए, जैसे अब गांधी हैं और मुफ्ती अबू लईद हैं, जिनपे भी अटैक हुआ था, तो ये लोग जो हैं आपको एक, जैसे अब मलाला करने की कोशिश कर रही है, मलाला ने क्या कहा कि मैं सर पे दुपट्टा ले रही हूँ क्योंकि मैं अपनी कल्चर और रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मगर आपका वही कल्चर और वही रिलीजन थी जिसकी वजह से उसको गोली लगी, राइट। आप दोनों कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। ये लोग आपको जो है चीजों को इधर से उधर करके समझाते, मीठा करके समझा रहे थे, मगर जब आप टेक्स्ट पढ़ो और जब आप लिटरेचर में जाते हो तो आपको ये सारी चीजें दिखती हैं वहां पर, तो इट इज देयर, राइट। मदरसे वाले और तालिबान, ये लोग जो हैं वो वही फॉलो कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। बट नहीं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप सुनो लोगों को, एक ओपन माइंडेड रखो। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं करो वो नहीं करो। आई नो कि बहुत सारी औरतों को फोर्स नहीं किया जाता, मगर बहुत सारी औरतें हैं जिनको ईरान में जो है औरतों को फोर्स किया जाता है, वहां तो लॉ है आपको पहनना ही है हिजाब, आप बगैर हिजाब बाहर नहीं जा सकते हो। थैंक गॉड पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, फिर भी थोड़ी सी आजादी है पाकिस्तान में, यू नो सो। मगर अगर फुल शरिया लॉ अगर ये लोग जैसे चाह रहे हैं अगर पाकिस्तान में आ गया, तो बहुत सारी औरतें जो है पसंद नहीं करेंगी ये फुल शरिया आ जाए। हेलो। कुछ और कहना चाहेंगी जी? कुछ और कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस मैंने इसी चीज से रिलेटेड बात करनी थी, क्योंकि अभी जाहिर है वो कुरान और हदीस से तो बात करने का भी टाइम भी नहीं है, तो किस नहीं, तरीके से मतलब आप जी। आना, दोबारा आना, आई वुड डेफिनेटली, हम लोग लेंगे। हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कभी कभार, मैं हदीसें वगैरह भी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा सारा आई वॉन्ट टू स्पीक फॉर वुमेन्स राइट। मुझे नहीं अच्छा लगता कि औरतों के साथ जो होता है, मैं खुद देख चुकी हूँ, हमारी फैमिली में भी हुआ है, सो दैट्स व्हाई। चलें, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलें, टेक केयर, ओके, बाय बाय।